गाइस फाइनली रेडमी 13 5G जो है वो स्टूडियो में आ चुका है और इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और क्विक रिव्यू देखेंगे कि भाई फोन के अंदर क्या क्या कंटेंट यहां पर मिलते हैं। इसको मैंने रिटेल पे यहां पर जो है परचेस किया है और यहां पर इसकी जो फर्स्ट सेल है उसमें ही ये बुक हो गया था। तो फाइनली ये जो डिवाइस है आ चुका है, तो चलिए जल्दी से इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग और डिवाइस कैसा है और इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट वगैरह मिल जाते हैं, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो फाइनली बॉक्स का जो शेप है वो यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइसेज में अब जो है वो यहाँ पर रेड कलर में आ रहा है। रेडमी जो 13 सीरीज़ है, चाहे नोट 13 हो या फिर 13 हो, तो उसमें ये जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसका जो बॉक्स है काफ़ी प्रीमियम टाइप का लग रहा है। तो फाइनली इसको जो हमने ओपन कर दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो पहले आपको ये कुछ इस टाइप का जो रेडमी का ये केस है, इसके अंदर आपको का जो सिलिकॉन केस है वो मिल जाता है, जो कि डिवाइस की सेफ्टी के लिए होता है, जिसमें आप देखो कुछ इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरे डिवाइसेस में काफ़ी प्रीमियम टाइप का ये एक मतलब एक नॉर्मल सा केस है जो आपके फ़ोन को थोड़ा बहुत यहाँ पर सेफ रखेगा, बचा सकता है मतलब यहाँ पर गिरने से। और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलो इसको हम साइड में रखते हैं, उसके बाद फाइनली हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पर आ जाता है कुछ इस तरीके से। और इसका जो यहाँ पर ब्लू वाला है विन ब्लू वाला, यही वाला मैंने इसका जो वेरिएंट है यहाँ पर परचेस किया। तो चलो इसको जो है फर्स्ट बूट यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 और हाइपर ओएस आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलो इसको साइड में हम यहाँ पर एक बार रख देते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको 33 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि रेडमी 12 5G में यहाँ पर आपको 18 वाट का मिल रहा था, जो कि मतलब एक बेकार सी चीज़ थी, फास्ट चार्जर नहीं था। लेकिन ये काफ़ी फास्ट चार्जर है जो कि यहाँ पर आपको 33 वाट का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर और मैं कुछ और कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टाइप ए टू टाइप सी जो है इसकी जो केबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। हालांकि जितने भी डिवाइस यहाँ पर आ रहे हैं सब में यही चीज़ देखने को मिलती है, तो बस हमें इतना ही जो है वो देखने को मिलता है। अब हम डिवाइस को जो है वो ओपन करते हैं, हालांकि इसको हम साइड में कर देते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा ये डिवाइस है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो डिवाइस है वो मैंने बूटअप कर लिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे हाईलाइटेड फीचर की बात करूँ तो इसका जो कैमरा सेटअप है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर जो फर्स्ट मेन सेंसर है वो आपको यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है और सेकंड जो सेंसर है वो यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो शॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको रिंग लाइट में ये जो है वो देखने को मिलता है, इसके अंदर जैसे रिंग एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ पर आप साइड से देखोगे तो इसमें आपको रिंग जैसा लगेगा। और यहाँ पर इसका जो फ्लैश है वो भी आपको डुअल टोन में यहाँ पर देखने को मिलता है। साइड में इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको मिल जाता है, साइड माउंटेड ये फिंगरप्रिंट है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है अप एंड डाउन करने के लिए, और आपको 3.5 का एमएम जैक मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है, और उसके साथ ही आपको इसमें सिंगल जो ग्रिल है वो देखने को मिलती है। आपको डाउन साइड में यहाँ पर जो स्पीकर की ग्रिल है वो सिंगल ही मिल रही है, और यहाँ पर आपको जो है वो माइक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और इसके अंदर सेकेंडरी माइक का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए थी। और उसके साथ यहाँ पर सिम ट्रे मिल जाता है, और ये आई थिंक हाइब्रिड जो सिम ट्रे है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलो इसको एक बार ओपन यहाँ पर से करके देख लेते हैं कि इसमें एक सिम या फिर दो सिम एक साथ लगा सकते हैं। तो चलो एक बार इसको जो है वहाँ से ट्राई कर लेते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो है वो एक में है या दो में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप एक SD कार्ड और एक जो है सिम स्लॉट, यहाँ पर मतलब एक टाइम पे एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। और अगर दो सिम कार्ड यूज़ करना है तो आपको एक टाइम पे सिर्फ दो सिम कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पर SD कार्ड आप नहीं लगा पाओगे। चलो अब यहाँ पर हम डिवाइस के बारे में देखते हैं कि भाई डिवाइस यहाँ पर कैसा है। ये एक 5G डिवाइस है, मतलब बजट रेंज में काफी ज्यादा मतलब बढ़िया फोन है। तो यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें कंटेंट और सेटिंग्स वगैरह की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस डिवाइस के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स हाइपर ओएस जो है वो देखने को मिलता है, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड के दो मेजर अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 आया है, एंड्रॉइड 15 भी मिलेगा, एंड्रॉइड 16 भी इस डिवाइस यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा, और 4 साल तक आपको 4 ईयर तक सिक्योरिटी पैच के भी अपडेट्स यहाँ पर Xiaomi ने प्रॉमिस किए हैं। तो यार ये काफी अच्छी चीज है। देन इसके साथ बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी हैं, तो हम कैमरा एक बार जो चेक करके देख लेते हैं। तो कैमरे की क्वालिटी जो है वो डिसेंट टाइप की यहाँ पर लग रही है, मतलब इतना मतलब लैगी वगैरह भी नहीं, हालांकि लैग वगैरह तो इसमें अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने इसको फर्स्ट बूटअप किया है। बाकी यहाँ पर अपडेट्स वगैरह जो आएंगे उसमें इसकी जो टेस्टिंग वगैरह होगी। और फ्रंट कैमरा भी काफी बढ़िया डिसेंट टाइप का यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 30 MP का जो यहाँ पर आपको सेंसर है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें क्वालिटी आपको काफी मच बेटर दिखेगी। इसकी हम बात आगे वाले वीडियोस में करेंगे। और यहाँ पर इसके मैं प्रोसेसर की बात करूँ, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड चीज है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का जो प्रोसेसर है वो आपको एक्सेलरेट एडिशन के साथ जो है यहाँ पर मिलता है, और ये एक ऑक्टाकोर जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर होने वाला है। और इसकी मैक्स जो क्लॉक है वो आप यहाँ पर स्पीड देख सकते हो, 2.3 GHz पे इसको जो क्लॉक कर दिया गया है, मतलब काफी ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये जो डिवाइस है वो बैटरी बैकअप के मामले में काफी ज्यादा
ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पर होने वाला है। और 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। 4nm का जो प्रोसेसर है वो इसमें यूज किया गया है, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का जो है। क्योंकि इसमें बात करूं रेडमी 12 5G के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, लेकिन वो एक्सेलरेट जो एडिशन है वो नहीं है, ये जो है एक्सेलरेट एडिशन है जो कि थोड़ा सा बेटर है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मॉडल। तो ये काफी बढ़िया चीज है, इसमें आपको परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेटर देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रेडमी 12 5G। तो रेडमी जो 13 5G है उसमें काफी सारी चीजें जो वो यहाँ पर चेंज की गई है। और स्टोरेज टाइप की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर UFS 2.2 की जो स्टोरेज है वो देखने को मिलती है, जो कि काफी सही चीज है। तो ये डिवाइस काफी ज्यादा बेटर यहाँ पर होने वाला है। और इसके अंदर परफॉर्मेंस वगैरह में बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, टेस्टिंग करेंगे, गेमिंग टेस्ट भी होगा और हाइपरस का भी वीडियो काफी जल्द मिलेगा। और इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो यहाँ पर मी डायलर देखने को मिल रहा है, जो कि भाई काफी सही चीज है। तो यार ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि मी डायलर काफी सारे डिवाइसेज में यहाँ पर जो गूगल का डायलर है वो चल रहा है, लेकिन मी डायलर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर अबाउट सेक्शन में और इसकी स्टोरेज में, तो ये हाइपरस में 13GB जो है वो यहाँ पर यूज कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, 10GB के आसपास रहना चाहिए था, लेकिन अभी आने वाले अपडेट्स वगैरह आएंगे तो उनमें भी चीज ये क्लियर हो जाएगी। फिर भी यहाँ पर 13GB जो है वो यहाँ पर ले रहा है, हालांकि रेडमी नोट 11 जो वो 18GB ले रहा है, लेकिन रेडमी जो 13 5G मॉडल ये वाला डिवाइस है वो काफी बेटर है अकॉर्डिंग टू दूसरे जो डिवाइस है उनसे काफी ज्यादा ये बेटर है। मैं बात करूं तो कैमरा क्वालिटी में अगर वीडियोस वगैरह की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको 30fps तक का जो सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1080p में। और अगर आप चाहो 4K वगैरह तो उसमें एस्पेक्ट वगैरह मत करना, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो मतलब एक मिड रेंज डिवाइस है जिसमें फीचर्स तो आपको काफी बेटर मिलेंगे। और यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्यूटीफुली वगैरह के मोड्स वगैरह भी मिल रहे हैं कैमरा सेटअप में, तो कैमरा का एक अलग से रिव्यू आपको काफी जल्द देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो जो डिवाइस है ओवरऑल काफी बढ़िया है। और हालांकि इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें काफी ज्यादा बेजल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो इतना ज्यादा इसमें मतलब इसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, वो आप देख सकते हो साइड से, यहाँ पर साइड से या फिर कॉर्नर से या फिर डाउन साइड से आप देख सकते हो। ये थोड़ी सी मतलब एक डिसअपॉइंटिंग वाली चीज है। और इसके अंदर आपको जो है IPS LCD पैनल मिल जाता है, और ये जो पैनल है वो यहाँ पर 6.7 इंच का जो है वो फुल HD+ जो पैनल आपको मिलता है। वीडियो क्वालिटी की मैं बात करूं और यहाँ पर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो भाई डिस्प्ले काफी ज्यादा डिसेंट यहाँ पर लग रहा है, हालांकि ये IPS पैनल है, LCD पैनल है, फिर भी क्वालिटी मच बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो शार्पनेस है और यहाँ पर इसके जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो काफी ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर अगर इसकी आप क्वालिटी को इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर ये 1080p और 60fps तक अच्छे से सपोर्ट करता है, जिसमें आपको डिटेल बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, हालांकि ये जो है वो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, फिर भी क्वालिटी इसमें काफी ज्यादा आपको अच्छी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये चीज काफी ज्यादा बेटर है और डिस्प्ले में आपको मतलब इतनी शिकायत वगैरह देखने को नहीं लगेगी। साइड से मतलब इसको जो है वो यहाँ पर डार्कनेस वगैरह देखने को लगती, तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर है। और इस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले बहुत ज्यादा सही है। तो यहाँ पर कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मैंने जो है वो फर्स्ट सेल में परचेस किया, तो यहाँ पर 1000 रुपीज का मुझे कूपन भी मिल गया, तो यहाँ पर ये 12999 का मुझे पड़ा है और अभी ये 13999 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जस्टिफाई प्राइस को करता है नहीं, तो 12999 में तो ये जस्टिफाई करता है। बाकी और भी काफी सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, कैमरा टेस्ट मिलेगा और उसके साथ ही यहाँ पर इसके जो है और भी गेमिंग टेस्ट करेंगे और हाइपरस के जो अपडेट्स आएंगे उनमें भी यहाँ पर काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपका प्लान है एक बजट फोन लेने का और आप इसको इजीली यहाँ पर अगर बैटरी की मैं बात करूं तो 1 डे जो है वो आपको आराम से इसका बैकअप मिलेगा, क्योंकि बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर है। 5000 और यहाँ पर 30mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि दिन भर आपका जो है अच्छे से निकाल देगी, एक दिन तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो और इसमें आप अपने जो है इजीली डेली बेसिस के काम भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। उसको ये काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, लैगिंग वगैरह या हीटिंग वगैरह के इश्यूज वगैरह इसमें नहीं है। आगे और भी काफी सारे वीडियोस आएंगे जिसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो अगर एक बजट रेंज डिवाइस आप परचेस करना चाहते हो तो आप रेडमी 13 5G की तरफ जा सकते हो, जो कि यहाँ पर मतलब एक ठीक फोन है और अकॉर्डिंग टू दूसरे डिवाइस आ रहे हैं तो कुछ चीजें उनमें अच्छी हैं, कुछ इसमें अच्छी हैं, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप चाहो तो ट्राई यहाँ से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।